हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। आज हम आपको राष्ट्रीय दिवस से संबंधित पार्ट नंबर 3 दिखाएंगे। इसके पिछले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। राष्ट्रीय दिवस से संबंधित 2 या 3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट हमारे छोटे से वीडियो को देख कर ये चीज़ अच्छे से लर्न कर पाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 15 जनवरी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे दिए हुए ऑप्शन है 24 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर और 24 नवंबर। तो हमारा तीसरा ऑप्शन 14 दिसंबर बिल्कुल सही होगा। 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। श्रम दिवस, मकर संक्रांति, सेना दिवस, गणतंत्र दिवस। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है, सेना दिवस बिल्कुल सही होगा। 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस, पृथ्वी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा, सद्भावना दिवस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव, ये तीसरा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल ही सही है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव। अगला क्वेश्चन, भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें से हमारा पहला जो ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद सही है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 15 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी एवं 25 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा बिल्कुल सही होगा, 24 जनवरी। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही अच्छा और आसान सा क्वेश्चन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको चाचा नेहरू भी कहते थे। निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन दिए हुए हैं सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से जो ऑप्शन नंबर जो हमारा तीसरा है, एस राधाकृष्णन, ये करेक्ट। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? SSC 2014 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 25 दिसंबर। तो हमारा 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, यही करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।